गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं आपको एप्लीकेशन में एक हारमोनियम कैसे प्ले होता है आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं ये एक एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर चुकी है और ये आप एप्लीकेशन देख रहे हैं हूबहू हारमोनियम जैसा कि ये मेरा हारमोनियम है, हूबहू वही एप्लीकेशन मुझे प्ले स्टोर से मिला है और ये एप्लीकेशन हूबहू हारमोनियम के जैसा ही है, पूरा वही टोन भी वैसा ही है। जैसा हारमोनियम बजता है ये एप्लीकेशन भी बिल्कुल उसी तरह काम करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो पूरे हारमोनियम में होते हैं, वो सारे फंक्शंस इसी में है। जैसे कि शुरुआत, जैसे अब ये इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें सारे गामा पा धा नि सा किस तरह से बजता है। सेम उसी तरह से सरे गामा पा धा नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो ये उसी तरह से है, इसमें काफ़ी फंक्शन है। इसमें देखते हैं, ये देखो हम जैसे यहाँ प्लस और माइनस दिया हुआ है, ये आप इसको जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। आप जूम करेंगे तो कुछ जो आपकी ज़रूरत की है वो आपके पास आ जाएगी और जैसे ही हम उसको माइनस करेंगे तो कुछ शब्द तक और बढ़ जाते हैं, कुछ नोट्स यहाँ कीज़ और ऐड हो जाएगी। जैसे कि कुछ हाई पिच में जो लोग गाते हैं, जो लोग बजाते हैं, तो वो उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, ये फिर से वही हुआ। इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक कुछ ऑप्शंस आए हुए हैं। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में आपको ये दो, एक तो बॉय और गर्ल दिखाई दे रही है, से मेल फीमेल करके लिखा हुआ है ये मेल फीमेल करके लिखा हुआ है। इसको हम अगर फीमेल की तरफ घुमाए तो ये हल्का शार्प हो जाता है और फीमेल की वॉइस में ये हारमोनियम कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फीमेल वर्जन में चला गया। वहीं ये ऑलरेडी उसी में था मेल, तो ये थोड़ा सा हल्का सा इसका शार्पनेस कम हो जाती है, तो इसको घुमाना पड़ता है। हम इसको अभी बीच में ही रखते हैं और इसमें स्केल चेंजर भी है, ये इसमें स्केल चेंज भी हो जाती है। आपको जहाँ से आपको बजाना हो, जिस तरह से बजाना हो, आप उस तरह से कर सकते। जैसे कि सारे गामा पा धा नि सा टोन, अगर मैं इसको बीच में लाऊंगा तो ये हल्का सा और इसका आवाज़ थोड़ा मोटा हो जाएगा। ये वॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी जैसी आवाज़ उस तरह से आप सेट कर सकते। अगर आप सारे गामा पा धा नि सा यहीं से जानते हैं तो आप आवाज़ इसकी टोन को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, जिससे कि बजाना आसान हो जाता है। और ये स्विच ऑफ स्विच ऑन है, अगर मैं इसको करूँगा तो इसमें एग्जिट हारमोनियम से हम बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है एक रिकॉर्डिंग का बटन है, आप इसको रिकॉर्डिंग मोड में डाल देंगे तो ये आप जो भी इसमें बजाएंगे, जो प्ले करेंगे वो रिकॉर्ड होगा और फिर उसके बाद वो पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो सीधे मेमोरी कार्ड में आप पहुँच जाएंगे। मतलब वो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो मेमोरी कार्ड में चली जाएगी। जैसे कि अब मैं इसको रिकॉर्डिंग मोड में कर देता हूँ तो ये देखिए रिकॉर्डिंग मोड ऑन हो गया। अगर मैं कुछ भी इसमें करता हूँ
तो जी फन एक्टिविटी टाइप से हम इसको मैं अभी बजा रहा हूँ। तो देखिए ये रिकॉर्डिंग हो गई। अब मैं इसे जैसे ही ऑफ करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा, आप देख रहे हैं इसमें लिखा है स्टोरेज, तो ये सीधे कार्ड में चले जाएगा। मैं इसको स्टोर करके देखता हूँ और फिर मैं ये देखिए यहाँ मेरी दोनों रिकॉर्डिंग हो गई है, ये खुद से प्ले हो रहा है। ये जो मैंने पहले प्ले किया था ये मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग है। तो ये रिकॉर्डिंग आपकी यहीं आ जाएगी और आप इसको अपना एनालाइज भी कर सकते हैं कि मैंने क्या बजाया क्या नहीं बजाया। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे कि अब मैं बजाने वाला हूँ, यहाँ पर कोई गाना हम बजाते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रिकॉर्डिंग फिर से हम चलिए इसको सेव करते हैं। ये हमने सेव कर दिया, इसको राइट क्लिक किए तो ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई। आइए हम फिर से सुनते हैं हमारी अपनी रिकॉर्डिंग, देखते हैं। स्टार्ट प्लेबैक। और ये अलग से आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कपलर है, अगर आप एक रीड को दबाएंगे तो वो दो रीड ऑटोमेटिक दबती है। तो ये ऐप है, ये बहुत खूबसूरत ऐप है, आप इसको डाउनलोड करके और फन एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप कहीं देख रहे हैं सुन रहे हैं कभी भी, तो आप उसको अपने मोबाइल पे बहुत इजीली, क्योंकि हारमोनियम बहुत महंगा आता है, कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाइए। मैं इसको डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं एग्जिट हो जाता हूँ, ये यहाँ से हम गए और हमें यहाँ लिखना होगा हारमोनियम। ये मैंने हारमोनियम लिखा और ये सर्च होके ये आ गया। मैं हारमोनियम पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये आ गया, ये ऐप्स ये मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका है, तो ये सीधे ओपन होगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये 5 MB का है, तो इसको आप डाउनलोड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये सिर्फ